चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार की राजनीति से एक बहुत ही दुखद खबर आई कि बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जगन्नाथ मिश्रा का नाम बिहार के बड़े नेताओं की सूची में क्यों ढूंढा जाता है। जब कभी कोई राजनीतिक विश्लेषक या इतिहासकार जब कभी बिहार की राजनीति को खंगालेगी तो उसमें जगन्नाथ मिश्रा का नाम चमकता हुआ सितारा की तरह दिखाई देगा। बिहार के सुपौल में 1937 में जन्मे जगन्नाथ मिश्रा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। बचपन से ही उनकी रुचि राजनीति में थी, क्योंकि उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा भी का जुड़ाव भी राजनीति से था और वो रेल मंत्री भी थे। जगन्नाथ मिश्रा विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हो गए और पहली बार 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री की कमान उन्हें सौंपी गई। 1980 में वो दूसरी बार और 1989 में तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। 90 के दशक में केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और आजकल वो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे। इतने वर्षों तक सत्ता का सुख भोगने के बाद उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। कहा जाता है कि चारा घोटाले की पटकथा जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही लिखी जा चुकी थी, जिसके कारण 2013 में चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद और 42 अन्य लोगों के साथ साथ इन्हें भी सजा सुनाई गई। इनको 4 साल का कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लंबी बीमारी के कारण आज 19 अगस्त 2019 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। बिहार की राजनीति व बिहार के निवासी हमेशा उन्हें एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में याद रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।